वेलकम टू माय क्लास। एनएल स्टूडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं डिसजंक्शन को। तो डिसजंक्शन क्या है, फिर उसका ट्रुथ टेबल भी देखेंगे। यहाँ पर आ जाएं, क्या है डिसजंक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट्स पी एंड क्यू इज डिनोटेड बाय पी और क्यू। हम डिसजंक्शन टू स्टेटमेंट्स की, एक पी है एक क्यू है, उसको हम किससे शो करते हैं, इस तरह पी और क्यू, इसको इस तरह। अ डिसजंक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट्स पी एंड क्यू इज ट्रू। पी एंड क्यू डिसजंक्शन जो है टू स्टेटमेंट्स की, एक पी एक क्यू की, ट्रू कब होगी, मतलब इनका रिजल्ट ट्रू कब आएगा, अगर इफ़ वन ऑफ पी एंड क्यू इज़ ट्रू। अगर या तो पी या क्यू इन दोनों में से एक भी ट्रू है तो हमारे पास आंसर ट्रू आ जाएगा। तो टेबल देखें, तो अगर इनमें से एक भी ट्रू है तो ट्रू आंसर है, तो ट्रू ट्रू तो ट्रू ही होगा। एक भी ट्रू है ना, पी ट्रू है तो ट्रू आ गया आंसर। एक भी ट्रू है इन दोनों में से तो यस, इनमें से क्यू ट्रू है तो ये ट्रू आ गया आंसर। इन दोनों में से एक भी ट्रू नहीं है तो इसका क्या मतलब है, आंसर ट्रू नहीं आएगा, आंसर फॉल्स आ गया। समझ आए, सिंपल सी बात है। आंसर कब, हमारे पास रिजल्ट कब ट्रू होगा, अगर पी या क्यू दोनों में से एक भी ट्रू है तो उसका रिजल्ट ट्रू हो जाएगा, सिंपल सी बात है। समझ आ गया। आगे क्या है, आर डिसजंक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट्स पी एंड क्यू इज़ फॉल्स। फॉल्स कब होंगी, इफ़ बोथ पी एंड क्यू आर फॉल्स। हमें पता चल गया टेबल देखने से ही कि उन्होंने पहले क्या कहा था। पहले तो ये बात है कि सिंपल सी, कि अगर इन दोनों में से पी या क्यू में से एक भी ट्रू है तो हमारे पास रिजल्ट ट्रू आ जाएगा। और अगर फॉल्स कब आएगा, फॉल्स उसी कंडीशन में आएगा अगर पी और क्यू दोनों फॉल्स हैं। तो पी और क्यू फॉल्स दोनों हैं तो फॉल्स आ गया। अगर पी फॉल्स है क्यू ट्रू है तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, तो आप पढ़ चुके हैं पहले, मतलब समझ चुके हैं कि ट्रू ही आएगा रिजल्ट अगर एक भी ट्रू है। फॉल्स कब आएगा, जब दोनों फॉल्स हैं। ओके, इतना सा था कॉन्सेप्ट डिसजंक्शन का। तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, टेबल भी आपको बनाना आ जाएगा ना। एक पी ले लिया, इधर क्यू है और इधर पी और क्यू है हमारे पास। ओके, तो इसमें हमारे पास क्या है, पहले आपने ट्रू ट्रू ले लेना, देन फॉल्स फॉल्स ले लेना, और यहाँ पर ट्रू फॉल्स इस तरह ले लेना, और बाद में रिजल्ट आपको तो पता चल गया। सेम इसी तरह हम करते हैं यहाँ पर। अगर देखें कंजक्शन को, कंजक्शन का पता है, कंजक्शन में हमारे पास क्या होता है, कंजक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट पी एंड क्यू इज़ डिनोटेड बाय, इसको इस तरह जो है डिनोट किया जाता है। और फिर ये ट्रूथ तभी होगा, हमारे पास रिजल्ट कब ट्रू होता है, अगर बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू, अगर दोनों ट्रू होंगे तो ही ट्रू होगा। समझ आया, अदरवाइज फॉल्स होगा। तो देखिए पी और क्यू दोनों ट्रू हैं तो ट्रू है, और अगर इनमें से एक भी ट्रू है तो हमारे पास आंसर फॉल्स ही आ रहा है, और अगर दोनों ही फॉल्स हैं तो फिर तो फॉल्स ही है। ओके, समझ आ गया कि क्या है उसमें हमारे पास क्या था। इसमें हमारे पास डिसजंक्शन में ये है कि अगर एक भी ट्रू है तो आपके पास आंसर ट्रू आ रहा है। ओके, और फॉल्स कब आएगा, जब दोनों फॉल्स हैं। लेकिन इसमें हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है कि आंसर तभी ट्रू होगा अगर पी और क्यू दोनों ट्रू हैं, अदरवाइज आंसर फॉल्स आएगा। समझ आ गया। तो ये कंजक्शन का ये कॉन्सेप्ट है, और डिसजंक्शन का जो मैंने आपको बताया वो है। इसमें भी टेबल देखें तो इस तरह ही बनता है ट्रुथ टेबल के, ट्रू ट्रू पहले तो पी और क्यू इसी तरह लेते हैं, जो पहले लेते हैं वो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स देन ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, और फिर रिजल्ट आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया। तो वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।